नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। दोस्तों, एमडीएच मसालों के बारे में तो आप जानते होंगे। मसालों की इस कंपनी के मसालों के डिब्बों पर मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी जी की तस्वीर लगी रहती थी। खास बात यह है कि धर्मपाल गुलाटी जी मसालों का प्रचार भी खुद ही किया करते थे। टीवी पर आने वाले एमडीएच मसाले के हर विज्ञापन में धर्मपाल गुलाटी जी जरूर दिखाई देते थे। असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच टैगलाइन के साथ इन एड से धर्मपाल गुलाटी घर घर में मशहूर हो चुके थे। लेकिन साल 2020 में उनकी हो गई और इसके बाद से ही एमडीएच मसालों के विज्ञापनों में एक नया चेहरा हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दिमाग में सवाल यह आता है कि एमडीएच मसालों के विज्ञापन में दिखने वाला यह नया शख्स आखिर है कौन? दोस्तों, जब एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया तो इसके बाद यह अफवाह उड़ने लगी थी कि अब यह कंपनी बिकने वाली है। इन अफवाहों के बीच एमडीएच मसालों के विज्ञापनों में एक नया चेहरा दिखने लगा। हालांकि विज्ञापन में दिखने वाला यह नया शख्स धर्मपाल गुलाटी जी से उम्र में काफी छोटा लग रहा था। आपको बता दूं कि यह नया चेहरा कोई और नहीं बल्कि धर्मपाल गुलाटी जी के बेटे और कंपनी के चेयरमैन राजीव गुलाटी का है। धर्मपाल गुलाटी की मौत के बाद कंपनी बिकने को लेकर उठ रही अफवाहों का राजीव गुलाटी ने ट्विटर पर जवाब भी दिया था। उन्होंने ट्वीट कर अफवाहों का खंडन किया था और लिखा था कि यह खबर पूरी तरह झूठी, मनगढ़ंत और निराधार है। एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड हमारी विरासत है, जिसे खड़ा करने में महाशय चुन्नीलाल और महाशय धर्मपाल ने अपना पूरा जीवन लगाया है। हम उस विरासत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर अब राजीव गुलाटी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ इसके आने वाले एमडीएच के विज्ञापनों में भी नजर आते हैं और आते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ।